असलम आज का हमारा दसवां लेक्चर है जनरल मैथड्स ऑफ टीचिंग के कोर्स का आज के लेक्चर के अंदर हम बलूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर बात करेंगे इससे पहले हम बात कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा जो एम्फेसाइज किया वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को किया हमने ये भी देखा कि लर्निंग कैन बी क्लासीफाइड इन थ्री डिफरेंट डोमेन्स दीज थ्री लर्निंग डोमेन्स आर कॉग्नेटिव डोमे अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे बतौर उस्ताद कि हम बच्चों को ये लर्निंग कैप दें जिसके अंदर सिर्फ कागनेटिव डोमेन पे फोकस ना हो बल्कि उसके अंदर अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को भी हम तवज्जो दें और उसको भी शामिल करें तो काग्नेटिव डोमेन हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं उसमें मेजर फोकस जो है वो हमारे करिकुलम का कोग्नीटिव डोमेन के ऊपर होता है तो so, आज के लेसन के अंदर हम कॉग्नेटिव डोमेन को ही एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर लर्निंग के कौन कौन से है. so, है, लेवल्स हैं नजर एक नजर डाल लेते हैं कि आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल द सेकेंड वन इज

कि अगर आप बच्चों से कहते हैं कि बताएं कि पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसके अंदर आ, कौन कौन की नेम्स थे कौन कौन बड़े बड़े लीडर्स थे पाकिस्तान बनने के हवाले से पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से तो बच्चे उसमें रिकॉल करेंगे दूसरा है कि अगर आप बच्चों से कह रहे हैं कि डिफाइन नाउन बच्चों के अंदर जो जहन के अंदर है कौन सा प्रोसेस जा रहा है थर्ड इज डिफाइन सॉलिबिलिटी नंबर फोर इज टेलिंग काउंटिंग फ्रॉम वन टू ट्वेंटी एंड नंबर फाइव इज नेमिंग सेवन कॉन्टीनेंट्स एंड द लास्ट वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन सब के अंदर कौन सी चीज कॉमन है अगर किसी बच्चे को हम कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि पाकिस्तानी मूवमेंट के अंदर कौन कौन से मेन लीडर्स थे तो बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने जो पहली चीज सुनी हुई है याद की हुई है उसी का ही जवाब दे रहा है वो अपने वो रिकॉल कर रहा है उसने जो चीज़ याद की हुई है मेमोराइज की हुई है तो उसी को वो रिप्रोड्यूस कर रहा है वही आपको बता रहा है सॉलिबिलिटी की बात करें तो अगेन बच्चे ने कोई चीज़ कोई डेफिनेशन याद की हुई है उसी को वो बता रहा है नाउन की बात करें अगेन बच्चे ने कोई चीज़ याद की हुई है वही वाली चीज़ को वो बता रहा है एक से बीस तक की गिनती अगर हम देख लें अगेन बच्चे ने कोई चीज़ याद की हुई है वही वाली चीज़ को वो रिप्रोड्यूस कर रहा है डेटा है उसको याद किया हुआ है न्यूटन का लॉ है वो भी उसने याद किया हुआ है मे भी हम इसको कह सकते हैं कि उसने रट्टा लगाया हुआ है या क्रैम की हुई है ये चीज़ें तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा होता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है ये फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं बच्चे ने इन चीजों को याद किया हुआ है समझने की बारी नहीं आ रही है जिस तरीके से किताब के अंदर लिखा हुआ है बच्चे ने ए टू जी उसको वैसे ही याद कर लिया गिनती है वो सारे बच्चों को एक ही सबको पता है कि एक से बीस तक गिनती है उसका सीक्वेंस क्या है कोई बच्चा उसको चेंज नहीं कर सकता इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स की तो वो सात कॉन्टिनेंट्स हैं किसी भी बच्चे से पूछेंगे उसका एक एग्जैक्ट आंसर होगा दूसरी तरफ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की बात पे नाउन की एक डेफिनेशन अगर आप बच्चे से कह रहे हैं सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन कह रहे हैं अगर बच्चा अपने अल्फाज में बता रहा है तो वो एक मुख्तलिफ मामला है लेकिन अगर बच्चा वही वाले अलफाज इस्तेमाल कर रहा है जो कि किताब के अंदर मौजूद हैं तो फिर उसकी डेफिनेशन के अंदर कोई उसकी अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्चे ने याद किया हुआ है इस लेवल को कहते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी के अंदर इस लेवल को नॉलेज लेवल कहा जाता है इससे पहले कि नॉलेज लेवल के ऊपर हम मजीद बात करें मैं थोड़ा सा बताती जाती हूँ कि ब्लूम कौन था और ब्लूम की टेक्सोनोमी का एसेंस क्या है ज एन एजुकेशन ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन लर्निंग इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंदर ये उसने अपनी टेक्सोनोमी डिवेलप की लेकिन आज पचपन साल गुजरने के बाद भी उसकी टेक्सोनोमी के बगैर कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के को, 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 कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता तो उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टेक्सोनोमी का नाम जो है वो जाहिर करता है क्लासिफिकेशन को इसने छ लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे कि लर्निंग कैन टेक प्लेस एट सिक्स डिफरेंट लेवल्स एंड दीज लेवल्स आर हरकल के छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लर्निंग हो सकती है तो जो पहला लेवल इसने ब्लूम ने आइडेंटिफाई किया था दैट इज नोन एज नॉलेज लेवल और रिकॉल लेवल रिकॉल लेवल वे आर एक्चुअली स्टूडेंट्स रिकॉल देअर नॉलेज कोई नई चीज की बात नहीं कर रहे होते हैं बल्कि जो चीज़ उन्होंने मेमोराइज की हुई है उसी चीज को वो रिकॉल कर रहे होते हैं तो नॉलेज लेवल एग्जैक्टली इसको क्या कह सकते हैं इस पर एक नज़र डालते हैं कि नॉलेज लेवल इज अबाउट रिकॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज अबाउट नॉलेज ऑफ डेटा इवेंट्स एंड प्लेसेस बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का दारुल खलाफा क्या है तो बच्चा बता रहा है इस्लामाबाद किसी भी चीज़ का इवेंट का कि पाकिस्तान के अंदर आ, कौन कौन से इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं आ, इस्लामी त्यौहार कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं तो वो उसके अंदर मेजर टू आ जाएंगे जो कि फितर है और ईद अजहा है इसी तरीके से कि पाकिस्तान कब बना इसका भी नॉलेज 1947 कोई डेटा हो गया किसी भी चीज का जो नॉलेज है नॉलेज ऑफ मेजर आइडियाज आइंस्टाइन की क्वेश्चन न्यूटन का लॉ बेसिकली आइडियाज थे जो कि फिर कॉन्सेप्ट बने तो ये जो चीजें हैं अगेन दे कम अंडर नॉलेज लेवल फिर इसी तरीके से मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी मास्टरी मास्टर इन द सेंस कि आपके पास अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की किताब के अंदर जितना नॉलेज दिया हुआ है अगर आपको उसके ऊपर आप उसको याद कर लेते हैं तो अगेन इट कम्स अंडर दिस लेवल हम कह सकते हैं कि नॉलेज लेवल वो लेवल है जहां पर मेमोराइजेशन बच्चों की चेक की जाती है सो ब्लूम प्लेस दिस लेवल एज द लोएस्ट लेवल मेरा आपसे सवाल है हम बच्चों के इस नॉलेज को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं हमारे स्कूलों के अंदर देख लें आपने जो एग्ज़ाम्स दिए या आप बच्चों को देते हैं उसके अंदर नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है बच्चों को एक जनरल नॉलेज की किताब भी दी जाती है और जनरल नॉलेज की किताब के अंदर क्या होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स और बच्चे को हम कह रहे होते हैं कि इसको याद कर लें सो नॉलेज लेवल के क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस से हम डिनाई नहीं करते नॉलेज लेवल की लर्निंग इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें दो कबाहतें हैं एक तो ये कि टीचर्स टेन टू ओवर यूज इट क्लास के अंदर सवाल इसी लेवल के पूछे जा रहे होते हैं दूसरा जो इसके अंदर कबाहत ये है कि एक बच्चा हु इज नॉट गुड एट मेमोराइजिंग डज सफर उसके अंदर ये होता है कि वो बच्चा थोड़ा सा एक तो उसको मेमोराइज़ करना नहीं आ रहा होता अगर वो कुछ याद कर भी लेता है बड़ी जल्दी भूल जाता है और जब उस्ताद उसको कह रहा होता है कि वही वाली चीज़ रिप्रोड्यूस करे और अगर वो बच्चा अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है या कुछ अपने आइडियाज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बच्चा जो है वो सफ़र करता है क्योंकि उस्ताद उससे एक्सपेक्ट कर रहा होता है एग्जैक्टली exactly वही चीज़ बताई जाए जो कि उसको बताई गई है तो एक इसमें दो जो अभी हमने देखा कि

तो हम ये कहते हैं कि ये नॉलेज लेवल के क्वेश्चंस हैं आप एक नजर डालिए ये, ये वो अल्फाज हैं या इनको कह सकते हैं क्वेश्चन क्यूज हैं वर्ड प्रॉम्प्ट्स हैं, विच आर देयर इन नॉलेज लेवल क्वेश्चन पहला है लिस्ट डिफाइन टेल आइडेंटिफाई लेबल हुतानू से स्टार्ट हो रहा है इसका सिंगल राइट आंसर है फैक्चुअल आंसर है कि 1947 फोर्टी सेवन Uh, इसी तरीके से और ये जितने भी हमारे वर्ड प्रॉम्प हैं आप कह सकते हैं लिस्ट डाउन फाइव मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ पाकिस्तान तो बच्चा जो है वो लिस्ट डाउन कर देगा कि ये ये वाले पाकिस्तान के शहर हैं जो कि इंडस्ट्रियल हैं नथिंग न्यू फैक्चुअल तो इस किस्म के जब भी सवाल होंगे आपको पता चल जाता है कि वो नॉलेज लेवल के सवाल हैं सो नॉलेज लेवल टेस्ट ओनली मेमोराइजेशन और टेस्ट ओनली फैक्चुअल uh, नॉलेज इसके अलावा इसके uh, ये कुछ और चीज़ असेस नहीं कर पा रहा होता ये जानना इसलिए ज़रूरी था कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेज कर रहे होते हैं तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट डाउन सर्टन थिंग्स इसका मतलब ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस लेसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के बहुत निचले लेवल के ऊपर ही आएंगे बहुत ऊपर तक नहीं लेकर जाएंगे हम उनको तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हम पहले से डिसाइड करें कि बच्चों को हमने किस लेवल के ऊपर लेकर जाना है अब हम देख अगले लेवल के ऊपर चलते हैं इसमें भी मैंने कुछ सवाल लिखे हैं लर्निंग इसमें कॉमन है एक नज़र डालिए और देखें कि इन सारी जो पांच सवाल हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है पहला सवाल है डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी सेकेंड इज स्टेट द डिफरेंटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा थर्ड वन इज वट आर फंक्शन स्टेम फोर्थ वट डिट गोल्डी लॉक डू वेन शी वो बियस हाउस लास्ट वन इज वट आर आवर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पाकिस्तानी सिटीजन चले अब देखते हैं कि इनमें सब में कॉमन चीज क्या है मैं एक उस्ताद हूँ मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया कि टू नेशन थ्योरी ये है इसके अंदर किस किस का रोल है अलामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी के मुतल क्या कहा मैंने बच्चों को बता दिया है इसके बाद मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि नाउ डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी। दूसरे के अंदर देखें स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा मैंने बच्चों को बता दिया है कि दीज आर द डिफ्रेंसिस बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा दीज आर सिमिलैरिटीज एंड दीज आर द डिफरेंस एंड नाव आई आस्क दैम टू आइडेंटिफाई टू स्टेट डिफरेंसेज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा तीसरे के ऊपर आ जाते हैं जिसमें हमने बच्चों से कहा कि आप बताएं कि फंक्शंस क्या है रूट के और स्टेम के मैंने बच्चों को पूरा बता दिया कि रूट का ये फंक्शन है और स्टेम का ये फंक्शन है बल्कि उनको यह भी कह दिया कि आप अपनी किताब खोलें इसमें से भी पढ़ लें बच्चों ने उसको पढ़ लिया मैंने कहा किताब बंद करो एंड नाउ राइट डाउन फंक्शन ऑफ प्लांट रूट एंड स्टेम चौथे के अंदर बच्चों को गोल्डी लॉक की पूरी कहानी पढ़ा है, बच्चों ने पढ़ लिया इसके बाद कहा जा रहा है कि आप बताएं कि गोल्डी लॉक ने क्या किया वन शी टू बियर्स हाउस लास्ट वन कि इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल के अंदर कि व्हाट आर आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पाकिस्तानी सिटीजेंस ये मुकम्मल हो गई है इसके ऊपर बातचीत और अब स्टूडेंट्स के कहा जा रहा है कि राइट डाउन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजेंस इन सब के अंदर कॉमन चीज ये है कि बच्चों को पहले इंफॉर्मेशन दी गई है आइदर टीचर इज गिविंग दैट इंफॉर्मेशन और दे आर गेटिंग फ्रॉम बुक और मे बी एनी अदर सोर्स एंड नाउ दे आर आस्ट टू रिप्रोड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वर्ड्स जो नॉलेज लेवल होता है उसमें हम बच्चों को बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि वो अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे जो ये लेवल है इसके अंदर आप देखें सारी पांच की पांच लर्निंग्स में या आप अपने तौर के ऊपर भी कुछ मिसालें सोच सकते हैं इनके अंदर कॉमन चीज ये है कि फर्स्ट चिल्ड्रन गेट सर्टन इंफॉर्मेशन एंड देन समथिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम कि आप उनसे कह रहे हैं कि अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए वही वाली इंफॉर्मेशन को बताएं उसी वाली इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करें इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन लेवल आपने देखा होगा कि आपकी अंग्रेजी की किताबों के अंदर एक लेसन दिया गया है कुछ टेक्स्ट दिया गया होता है उसका कुछ टाइटल होता है वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद एंड के ऊपर कुछ लिखा होता है कॉम्प्रिहेंशन लिखा होता है और कुछ सवाल दिए गए होते हैं उससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा होता है कि बच्चे पहले वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद उन सवालों का जवाब देंगे इसका मतलब ये है कि वो जो जवाब दें देन दे आर नॉट सपोज टू

तो हम ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो हमारी ज़रूरत होती है वो ये कि बच्चे अपने अल्फाज इस्तेमाल करें सो so, कॉम्प्रीहशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों को पहले इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अगर हम देखें तो जो हम बच्चों को कहते हैं ट्रांसलेट करें अंग्रेजी से उर्दू में या उर्दू से अंग्रेजी के अंदर ये लेवल भी कॉम्प्रीहशन लेवल ही कहलाता है क्योंकि इसके अंदर बच्चों की हम देखते हैं समझ कितनी आई है उनको इसलिए अंदर और एक और बात जो काबिल गौर है वो ये कि जो सेंटेंसेस को अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं सो so उसको हम एग्जैक्ट कॉम्प्रीहेंशन लेवल नहीं कह सकते क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसको समझा और उसको दूसरी जबान के अंदर ट्रांसलेट कर लिया इस, इसको भी हम कॉम्प्रीहशन कह रहे होते एक और है कि आपने कोई कार्टून देखा और उसको आपने इंटरप्रेट किया अखबार के अंदर आपको नज़र आते हैं कार्टून आप उसको देखते हैं उसको इंटरप्रेट जो करते हैं दैट इज़ अगेन कॉम्प्रीहेंशन टेबल्स के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ होता है ग्राफ्स आ रहे होते हैं और उनको देख के जो भी आपकी समझ आ रही होती है जो आप डिस्क्राइब करेंगे दैट इज़ अगेन कॉम्प्रीहेंशन क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम उर्दू में कहें तफहीम और समझ के साथ इसका ताल्लुक है सो so आप कोई भी चीज़ अगर समझ आ गई है तो यू यू मे यूज़ एन अदर मोड ऑफ कम्यूनिकेशन फॉर दैट तो ये चीज़ इसके अंदर आती है इसके नजर डाल लेते हैं कि इसके लिए वर्ड प्रॉम्प्ट्स कौन कौन से हैं वो सवालों के शुरू के अंदर अगर आए तो हमें पता चल जाता है कि ये सवाल जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कॉम्प्रीहेंशन लेवल की लर्निंग तो पहला है हमारे पास डिस्क्राइब है फिर रीफ्रेज है पुट इन योर ओन वर्ड्स है कंट्रास्ट एक्सप्लेन द मेन आइडिया कंपेयर दीज वर्ड प्रॉम्प्ट आर यूजली यूज टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एट कॉम्प्रीहेंशन लेवल तो अभी तक हमने ये देखा कि कॉम्प्रीहेंशन लेवल नॉलेज लेवल से एडवांस लेवल है और इसके अंदर जो की वर्ड है दैट इज ओन वर्ड्स अब आगे चलते हैं एप्लीकेशन लेवल के ऊपर इससे पहले कि हम एप्लीकेशन लेवल के ऊपर बात करें अगेन आई हैव पुट सर्टन क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कॉमन थिंग्स इन दीज क्वेश्चन फर्स्ट वन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग मटीरियल इन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्लासीफाई द गिवन फूड उट एरिया ऑफ योर जोमेट्री बॉक्स तीनों में देखें क्या चीज है जो कि कॉमन है इसको डिस्कस करते हैं बच्चों ने सीख लिया के ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं टीचर ने बता दिया ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती दैट इज ओपेक ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट गुजर जाती है दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड द मेटीरियल विच अलाउस टू पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल अब उस्ताद ने बच्चों से कहा कि ये आपके पास आपको पता चल गया है आप मुझे बताएं अब डिफाइन करें व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसलूस ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स तो बच्चा जब वो उसको डिफ़ाइन कर रहा है तो अगर एग्जैक्ट वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो टीचर ने बताए हैं इट इज़ नॉलेज लेवल अगर बच्चा अपने अल्फाज के अंदर उसको डिफ़ाइन uh, करने की कोशिश कर रहा है देन इट इज़ कॉम्प्रीहेंशन लेवल एप्लीकेशन लेवल कब होगा एप्लीकेशन लेवल ये है कि उस बच्चे ने जो सीख लिया उसको एक न्यू सिचुएशन के अंदर अप्लाई करना है वो चीज तो बच्चे को पता चल गई है टीचर को भी पता चल गया कि हाँ इस बच्चे को ये समझ आ गई है लेकिन उसको नई सिचुएशन के अंदर जब अप्लाई करना है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल अब उसने जो सीखा उससे अब आपने उस्ताद ने क्या किया कि ये वाले मैं ऑब्जेक्ट्स दे रहा हूं अब अपना वो वाला नॉलेज यूज करो और इनको क्लासीफाई करो अब बच्चा देख रहा है कि इसके अंदर लिखा हुआ है आप, आपके पास सेलोफिन शीट है पेपर है टेबल है बुक है वॉल है तो वो देखेगा कि वॉल से लाइट गुजरती है या नहीं गुजरती लाइट नहीं गुजरती ठीक है इसका मतलब है कि ये ओपेक है ह्यूमन बींग्स क्या हमारे आसपास से लाइट गुजर सकती है हमारे आसपास से तो गुजर सकती है लेकिन क्या हमारे हमसे गुजर सकती है कैन इट पास थ्रू ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली नहीं इसी वजह से तो हमारा शेडो बनता है ये बच्चा ये सारी चीजें बच्चे के जहन में जा रही होंगी वो ह्यूमन बॉडी को ओपे के अंदर डाल देगा तो बच्चे ने जो कुछ सीखा उसको जब नई सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल हम ये नज़र डालते हैं जो हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ फूड वाली बात की थी उसमें भी सेम यही है कि बच्चों को डिफरेंट फूड ग्रुप्स बता दिए गए हैं अब उसको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और उनको कहा गया है कि इनको क्लासीफाई करें अगर बच्चे को एग्जैक्टली exactly पता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में डिफरेंस क्या है तो बच्चा उसको अप्लाई uh, कर देगा और क्लासीफाई कर लेगा अगर नहीं पता देन चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू क्लासीफाई दो फूड आइटम्स इसके अलावा जो हम बात करते हैं जो लास्ट वन था एप्लीकेशन का कि ब्रेथ और लेंथ का को मल्टीप्लाई करें तो हमें एरिया पता चल जाता है दिस इज अ फार्मूला इसका नॉलेज लेवल के ऊपर क्या आंसर होगा बच्चे से कहें कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बच्चा कहेगा ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इट मीन्स चाइल्ड नोज द फॉर्मूला अब अगर उस्ताद कह रहे हैं कि भाई तुम्हें फार्मूला तो पता चल गया है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मुझे इंटरेस्ट ये है कि तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना भी आना चाहिए वो कहता है कि और किसी का नहीं आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप आप उसके उसकी उसका एरिया फाइंड आउट करो तो बच्चा सबसे पहले तो उसकी लेंथ मयर करेगा ब्रेथ मैयर करेगा उनको नोट डाउन करेगा उन मेजरमेंट्स को और फिर उनको मल्टीप्लाई करेगा और फिर रिपोर्ट करेगा कि इसका एरिया ये है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका फार्मूला आता था उसको अप्लाई किया है एक नई सिचुएशन के ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स का एरिया निकालने के लिए इट मीन्स दैट इज़ एप्लीकेशन लेवल लर्निंग कि जानना काफ़ी नहीं है बल्कि उसको इस्तेमाल करना इम्पॉर्टेंट है ताकि उससे हम बच्चा जो है वो एक लेवल आगे जाए उसकी लर्निंग बेहतर हो इसकी मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी जो कि कुछ हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ये वाली आइडेंटिफाई की थी एग्जाम्पल कि अगर आपको कुकिंग की एक रेसिपी आ जाती है उसका यह मतलब नहीं है कि आप वो कुकिंग कर सकते हैं खाना पका सकते हैं तो खाने की रेसिपी जानने से कुक नहीं बनता कुक तभी बंदा बनेगा जब उस रेसिपी को अप्लाई करेगा इन अ न्यू सिचुएशन और उसके उसको अप्लाई करके खाना बनाएगा दैट इज एप्लीकेशन लेवल लर्निंग ये एक हाई स्टेप है नई सिचुएशन के अंदर लर्निंग होती है सो so इसके अंदर एप्लीकेशन लेवल की लर्निंग के अंदर की वर्ड है न्यू सिचुएशन अप्लाइंग लर्नड आइडियाज लर्नड थिंग्स इन अ न्यू सिचुएशन एक और बात इसके अंदर जो अहम है वो ये अगर हम मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल लेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है क्या आपको स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए कहा जाता है कि उनको वो सॉल्व करें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज देयर व्हेन स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न फार्मूलाज एंड अप्लाई देम इन न्यू सिचुएशंस टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेकिन ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव सिंगल राइट आंसर मैथमेटिक्स के हवाले से जितने भी आपने बच्चों ने लर्न करने हैं फार्मूलाज उनको अप्लाई करना है तो उसका आंसर एक ही आना चाहिए इसके अंदर गुंजाइश नहीं होती है कि बच्चे मुख्तलि के साथ आपके सामने आ सके तो इसके अंदर सिंगल राइट आंसर होता है uh, इसके एक और एग्जाम्पल मैं देती जाती हूँ मैथमेटिक्स के अलावा बाय द वे मैथमेटिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आस्क एप्लीकेशन लेवल क्वेस् और आपने देखा होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं हमें मैथ्स मुश्किल लगता है उसके क्या रीजन है मैथ्स क्यों मुश्किल लग रहा होता है उसकी वजह यह है कि मैथमेटिक्स के अंदर रट्टे से नंबर नहीं आते हैं आपको फार्मूलाज याद हो गए हैं लेकिन फार्मूलाज के सवाल कितने होंगे सवाल तो ये है कि वो दिए जाते हैं कि आप उनको यूज करते हुए आगे चीजें उनको अप्लाई करते हुए आप सवाल हल करें तो एप्लीकेशन लेवल की लर्निंग होती है जो बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं आम तौर पे हम स्टूडेंट्स को नॉलेज लेवल के ऊपर ही असेस कर रहे होते हैं वेदर इट इज इंग्लिश और इट इज मैथमेटिक्स और इट इज़ साइंस और इट इज़ सोशल स्टडीज मैथमेटिक्स के अंदर क्योंकि एप्लीकेशन लेवल है बच्चों को आदत नहीं है एप्लीकेशन लेवल पर जाने की दैट्स वाई दे फाइंड मैथमेटिक्स क्वाइट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट बाय द वे एप्लीकेशन इज नॉट देयर ओनली इन मैथमेटिक्स बाकी के सब्जेक्ट्स में भी ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है और अगर हम एग्जाम्पल लें जोग्राफी की बच्चों को आपने बता दिया कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है अब आप बच्चों से कहते हैं कि आप इस डिफाइन करें कि व्हाट इज़ लेटीट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड इसका मतलब है कि बच्चों को नॉलेज लेवल के ऊपर आप ला रहे हैं बच्चे उसको डिफाइन कर रहे हैं अब अगर आप बता आ, कहते हैं कि लेटीट्यूड और की मदद से मैप के ऊपर आप किसी आ, जगह को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इसका प्रोसेस क्या होगा टीचर ने बता दिया हुआ है बच्चा अगर उसको अपने वर्ड्स में बता रहा है इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रिहशन के लेवल पर आ गया है अब तीसरा लेवल है एप्लीकेशन का विच इज़ हायर देन कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज उस्ताद कहता है आपने जो सीखा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इफ़ यू नो डेफिनेशन ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स मुझे तो इंटरेस्ट इस बात में है कि आप मुझे uh, आपको मैं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड बताता हूँ एक जगह का और आप मुझे वो जगह का नाम बताएं आप मैप के ऊपर उस जगह को लोकेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को नॉलेज भी है कॉम्प्रीहेंशन भी है अब आ, उसने उसी कॉम्प्रिहेंशन को इस्तेमाल करते हुए में मैप uh, के ऊपर एक जगह लोकेट करनी है वो नई सिचुएशन है वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा है एक नई सिचुएशन के ऊपर सो वी से देट इज़ एप्लिकेशन लेवल लर्निंग आप बच्चों को बता देते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है अंग्रेजी के अंदर आप बच्चों से कहते हैं कि नाउ कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज विच हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो इसका मतलब यह है कि बच्चा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो उसकी कॉम्प्रीहशन है उसको एक नई सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पे उसको कहा जा रहा है कि आप सेंटेंसेस बनाएं सो एप्लीकेशन लेवल के अंदर की वर्ड इज न्यू सिचुएशन एक नज़र डाल लेते हैं वर्ड प्रॉम्प्ट के ऊपर कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं अगर वो सवाल के शुरू में आ रहे हों तो हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन लेवल की लर्निंग को असेस किया जा रहा है वो सब वर्ड प्रॉम्प्टस हैं अप्लाई शो डिमोन्स्ट्रेट चूज इलस्ट्रेट ड्रॉ डाग्राम राइट एंड एग्जाम्पल यूज क्लासीफाई ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड आपने देखा होगा कि साइंस के अक्सर लेसन के अंदर टीचर्स बच्चों से कहते हैं कि ऑब्जर्व करें और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें कुछ बच्चे होते हैं वो टेबल की फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं नोट्स ले रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो जो भी वो देख रहे हैं उसकी पिक्चर आपको दे रहे हैं जब वो अपने सारा का सारा वो चीज़ चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई भी दूसरा देखे पर्सन कैन गेट अ पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस जो बच्चे ने उसको सबको सबको रिकॉर्ड किया है तो उस इस चीज को हम एप्लीकेशन लेवल की लर्निंग कहते हैं सो so अभी तक हमने तीन लेवल्स देखे हैं ब्लूम्स ब्लूमस्टिकॉनोमी के पहला लेवल नॉलेज का दूसरा कॉम्प्रीहेंशन का और थर्ड लेवल एप्लीकेशन का इन तीनों लेवल्स को यूजुअली कहा जाता है दे आर लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग हमें मैथ्स मुश्किल लगता है क्योंकि उसके अंदर एप्लीकेशन लेवल है लेकिन जो एजुकेशन हैं वो कहते हैं एप्लीकेशन लेवल भी लोअर लेवल की ही लर्निंग है अगरचे ये एडवांस है नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन से लेकिन ये बहुत एडवांस लर्निंग नहीं है तो अभी हम देखते हैं कि एडवांस लर्निंग क्या है बाय द वे एप्लीकेशन लेवल के ऊपर अभी तक कंसेंसिस नहीं हो सका इफ इट इज रियली लोअर लेवल लर्निंग और इट इज हायर लेवल लर्निंग लेकिन अभी हम देखते हैं जो इससे एडवांस लेवल्स हैं उनको कहा जाता है कि वो वाक्य ही में एडवांस लेवल की लर्निंग है और हायर ऑर्डर थिंकिंग इन्वॉल्व है उसके अंदर एनालिसिस लेवल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कुछ क्वेश्चन उनको देखें और सोचें कि उसके अंदर कॉमन चीज़ क्या है क्योंकि एनालिसिस लेवल हायर ऑर्डर थिंकिंग है इसीलिए इसमें क्वेश्चंस की तादाद भी मैंने ज़्यादा करती है एक एक करके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है पहला सवाल है वट फैक्टर्स डिड इंफ्लुएंस कायदे आजम टू फॉर्मुलेट फोर्टीन पॉइंट सोचें कि इसके अंदर बच्चे क्या करेंगे डू रिमेम्बर अनालवल के अंदर हम बच्चों को पहले इंफॉर्मेशन नहीं देते कॉम्प्रिहेंशन लेवल के अंदर आपने बच्चों को पहले इंफॉर्मेशन दी होती है अनालिस लेवल के अंदर बच्चों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दी जाती दूसरा सवाल है वाई डू वी नीड बैलेंस डाइट बच्चे से कहा जा रहा है कि आप बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है इसकी वजूहत बताएं पहले सवाल में भी यही है कि व्हाट फैक्टर्स डिट इन्फ्लुएंस कायदे आज़म टू फार्मूलेट 14 पॉइंट तो रीजंस की बात की जा रही है कि बच्चा तलाश करे कौन कौन सी रीजंस थी जिन्होंने कायदे आज़म को मजबूर किया कि वो फोटीन पॉइंट्स पेश करें सेकेंड के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी रीजन्स की बात हो रही है तीसरे पे नज़र डालते हैं द फुट प्रिंट लेफ्ट बाई द एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्टॉन्ग एंड एडविन एलड्रेन ऑन द मून इन नाइनटीन सिक्सटी देर कैन यू एक्सप्लेन वाई इसमें भी रीजन की बात है चौथे पे आते हैं आफ्टर स्टडिंग अबाउट डिवेलपमेंट इन मलेशिया वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेरियस कॉजेज ऑफ डिवेलपमेंट इन अंट्री इसमें फर्क क्या है पहले वालों से यहां पर क्या फर्क है पहले वालों में रीजंस थी पहले तीन के अंदर हम रीजंस की बात कर रहे हैं चौथे वाले में हम रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं दोबारा नजर डालते हैं चौथे वाले सवाल के ऊपर ही आफ्टर स्टडिंग अबाउट डिवेलपमेंट्स इन मलेशिया वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेरियस कॉजेज ऑफ डिवेलपमेंट इन अ कंट्री इसमें एक वर्ड है कॉज आपको लग रहा होगा कि कॉज का मतलब तो रीजंस ही हैं लेकिन इस स्टेटमेंट इस सवाल के अंदर दरअसल कॉज इज नॉट द की वर्ड है कंक्लूजन तो अनालिस लेवल के अंदर जो एक और चीज होती है कि आप कॉज एंड इफेक्ट भी देख रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कोई नतीजा अखज करें जिस तरह से एक कहानी के अंदर कह दिया जाता है कि इस कहानी से आप क्या सबक हासिल करते हैं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी एक्चुअली वो नतीजा होता है तो जब भी किसी से नतीजा कहने को निकालने को कहा जा रहा होता है नतीजा अखज करने को कहा जा रहा होता है तो इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी की पूरी चीज को एनालाइज करेगा अगले वाले पे नजर डालते हैं आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी हाउ वुड यू करेक्टराइज द हीरोज बैक अगेन इसके अंदर कंक्लूजन कुछ आ रहे होंगे के हीरो uh, का जो बैकग्राउंड था उसने किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया तो अगेन ये वाली जो बात है ये जो सवाल है इसके अंदर कंक्लूजन के ऊपर फोकस है लास्ट थ्री देखते हैं इसके अंदर खास बात है जिसको मैं फोकस करना चाहूंगी कि लास्ट थ्री में भी कोई एक कॉमन चीज है वो कॉज नहीं है वो कंक्लूजन नहीं है इट इज समथिंग डिफरेंट तीनों को देख लेते हैं कि क्या है वैक्सीनेशन क्योर्स बॉडी अंगेंस्ट वेरियस डिजीजेस हाउ वाई डू फिश सर्वाइव बेटर इन कूल वाटर ंग्स आर प्लूटिंग एयर हाउ ये जो तीनों हैं इनके ऊपर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि ये तीनों तो नतीजे हैं हमें सबको पता है कि वैक्सीनेशन क्योर्स बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजे ये तो नतीजा ऑलरेडी निकला हुआ है ये नतीजे के ऊपर कहा जा रहा है कि आप इस नतीजे को एनालाइज करें इसकी रीजनस बताएं इट इज डिफरेंट फ्राम द फर्स्ट थ्री इन देंस दैट इन द फर्स्ट थ्री यूअर आस टू आइडेंटिफाई रीजन्स देर वर नो देर कंक्लूजन वर नाट गिवन अगर आप कायदे अजम वाली एग्जाम्पल uh, देखें जो मैंने फर्स्ट में लिखा था कि वट फैक्टर्स डिड इन्फ्लुंस कायद अजम टू फार्मूलेट फोर्टीन पॉइंट तो उसके अंदर कोई नतीजा नहीं था दिया हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि उसके अंदर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप कॉजेज को आइडेंटिफाई करें जो ये लास्ट तीन है इसके अंदर कंक्लूजन्स दिए गए हैं नंबर वन कंक्लूजन हमें सबको पता है कि वैक्सीनेशन क्योर्स बॉडी नंबर टू फिश सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड वाटर द लास्ट वन दैट वी आर पोलूटिंग वी ह्यूम आर पलूटिंग आवर uh, एनवायरमेंट ये तीनों नतीजे अखज किए गए हैं इन नतीजों की रीजन्स के बारे में कहा जा रहा है इट इज़ हायर लेवल थिंकिंग तो एनालिसिस जो होता है एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो एक किस्म का एनालिसिस नहीं होता आमतौर पे ये कंफ्यूज किया जाता है कि एनालिसिस इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग कॉजिज कॉजेज जरूर हैं लेकिन कॉजेज के अलावा अगर आप कंक्लूजन्स ड्रा कर रहे हैं या कंक्लूजन्स की कॉजे निकालने की कोशिश कर रहे हैं सो ऑल गो इन दैट लेवल ऑल दीज आर हायर ऑर्डर लर्निंग एक नज़र डाल लेते हैं सिंपल तरीके से कि एनालिसिस लेवल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं एनालिसिस लेवल क्वेश्चन आर हायर ऑर्डर क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड इन डेप्थ सेवरल आंसर आर पॉसिबल टू एन एनालिसिस क्वेश्चन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई रीजन रीच कंक्लूजन एंड एनालाइज कंक्लूजन इसकी एक और हम सिंपल सी बात कर सकते हैं टू एनालाइज मीन्स टू पुट थिंग्स अपार्ट आपके पास कोई चीज है उसको आपने छोटे छोटे पीसेस के अंदर देखना है कहानी पढ़ी है तो उसको छोटे छोटे पीसेज में देखें और उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें आपने आ, एक साइंस का लेसन है आपने उसको पढ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपको पता है कि आप आ, लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपने आपसे कहा गया उस्ताद ने आपसे कहा कि ओके व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द कॉमनलिटीज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा अच्छा ये सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है आमतौर पे जब हम ये बात करते हैं कि टीचर कह रहा है बच्चों से कि वट आर द कामनालिटीज़ बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा तो हम कहेंगे ये तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल का क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉम्प्रीहेंशन लेवल के अंदर आप बच्चों को पहले से इंफॉर्मेशन देते हैं उस्ताद ने बच्चों को पहले बता दिया कि इनमें ये चीजें कॉमन हैं, ये चीजें डिफरेंट हैं। अब अगर बच्चे से कहा जा रहा है कि आप बताओ कि वट आर द डिफ्रेंस एंड कॉमनलिटीज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा यकीन ये कॉम्प्रीहेंशन लेवल का सवाल है लेकिन अगर आपने बच्चे को पहले नहीं बताया बच्चे के और प्रायर नॉलेज और डिफरेंट चीजों का है लाइट के हवाले से तो अगर आप बच्चे से यही सवाल कर रहे हैं तो बच्चा उसको सोच रहा है एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है ये लेवल हायर लेवल होगा दिस वुड बी एनालिसिस लेवल इसके अंदर आपके पास एग्जैक्ट एक तरह के रिस्पॉन्स नहीं आएंगे जो अभी हमने इसको जब डिस्क्राइब किया एनालिसिस लेवल तो इसमें ये वाली बात थी कि इसके अंदर यू स्टूडेंट्स कैन कम अप विद डिफरेंट रिस्पॉन्स विद अ वेराइटी ऑफ आंसर तो बच्चे जो हैं वो अपने तौर के ऊपर सोचेंगे अपनी लॉजिक उसके अंदर लेकर आएंगे और उसको डिफरेंट तरीके से बताएंगे इसकी मैं एक और एग्जाम्पल देती जाती हूँ पुटिंग थिंग्स अपार्ट के हवाले से मैथ्स के अंदर आपने बच्चों को पहले शुरू करवाई एडिशन सिखाई सब्ट्रैक्शन सिखाई मल्टीप्लिकेशन सिखाई फिर आप उसको ले गए डिवीजन के ऊपर बच्चा जब डिवीजन कर रहे होते हैं आप बच्चे से ये पूछें अगर सवाल करें कि आप ये बताओ कि डिवीजन के अंदर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं तो ये एनालिसिस लेवल का सवाल होगा बच्चा बताएगा कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व है तो डिवीजन जो है इट इज इट इन्वॉल्व दीज टू थिंग्स तो बच्चा जो है वो उसको एनालाइज करता है बिट्स एंड पार्ट्स में इस तरह के सवाल अहम है बच्चे को डिवीजन करनी अगर आती है इट इज फाइन इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर है लेकिन अगर वो ये भी एनालाइज कर लेता है कि इसमें प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है कि हम बच्चे को एक स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं एनालिसिस लेवल के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन से वर्ड प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि यूजली यूज होते हैं एनालिसिस लेवल की थिंकिंग के लिए हम जब बच्चे से कहते हैं कि आइडेंटिफाई मोटिव्स इट इज़ एनालिसिस लेवल थिंकिंग कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग अगेन अनालिसिस थिंकिंग हम जो बच्चे से कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें हाउ वाले सवाल करते हैं ड्रॉ कंकलूजनस की बात करते हैं डिड्यूस वर्ड यूज करते हैं एनालाइज करते हैं समराइज करते हैं सपोर्ट करते हैं सो दे आर ऑल एनालिसिस लेवल लर्निंग्स इसके अंदर एक और वर्ड है समराइज का इसके ऊपर बहुत डिबेट है कि समराइज वर्ड जो है ये क्या कॉम्प्रीहशन लेवल का होता है एनालिसिस लेवल का है या सिंथेसिस लेवल का है मुख्तफ लोगों ने इसके हवाले से मुख्तफ बातें की हैं एक तो ये है कि अब बच्चे ने एक कोई टेक्स्ट पढ़ा और टीचर ने कहा कि इसमें से मेजर पॉइंट्स नोट डाउन करके समरी कर दो

हाई लेवल समरी दैट इज समरी उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे जब हम सिंथेसिस लेवल को डिस्क्राइब करेंगे तो अभी तक हमने जो एनालिसिस की बात की एनालिसिस में के अंदर जो एक की चीज़ है दैट इज पुटिंग थिंग्स अपार्ट एंड लुकिंग देम इन डिटेल इन डेप्थ एंड एनालिसिसल इनक्लूड्स आइडेंटिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड एनालाइजिंग कंक्लूजन्स चले अब नजर डालते हैं इससे भी हायर लेवल के ऊपर अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी इससे जो हायर लेवल है वो है सिंथेसिस लेवल लेवल सिंथेसिस के ऊपर जाने से पहले अगेन आई वॉन्ट यू टू हैव अ लुक ऑन डिफरेंट क्वेश्चन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉमन थिंग्स इन ऑल दीज क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज राइट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द टेक्स्ट बच्चों ने टेक्स्ट पढ़ा आप उनसे कह रहे हैं कि ये सारा टेक्स्ट पढ़ लिया है इसके लिए आप कोई अच्छा टाइटल लिखें, सोचें इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा होगा सेकंड पे नजर डालते हैं ड्रॉ अ पेंटिंग टू शो दैट पोल्यूशन इज अ बर्निंग इशू सो इसके अंदर बच्चे से अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा अपने तौर के ऊपर कुछ करेगा पहले वाले में भी यही था कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एक टाइटल लिखे एक टेक्स्ट का सो इफ यू हैव 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास यू माइट गेट 30 डिफरेंट टाइटल्स देयर विल नॉट बी एनी सिंगल टाइटल और आप ये भी नहीं कह सकते कि इस बच्चे का तो टाइटल ठीक है दूसरे बच्चे का गलत है ऐसा नहीं होगा अगर वो लॉजिकल है टेक्स्ट से रिलेट कर रहा है तो 30 के 30 टाइटल्स एक्सेप्टेबल हैं तो इसके अंदर आपके पास वैरायटी आती है ये लेवल जो है क्रिएटिविटी का लेवल है सेकंड के अंदर भी बच्चा जो है अगर आपने बच्चों से कहा है 30 की क्लास के अंदर कि आप ने एक बनानी है पेंटिंग बनानी है जिसके अंदर मैसेज ये देना है कि पोलूशन इज़ अ बर्निंग ईशू हर बच्चे की पेंटिंग डिफरेंट होगी हर बच्चा डिफरेंटली सोचेगा इसमें सिंगल राइट right चीज नहीं होती है देर इज नॉट अगल राइट आंसर और सिंगल राइट या एक ही तरह की चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते इसी तरीके से अगले वाले के ऊपर देखते हैं कि वट वुड है पोलूशन इसमें अगेन बच्चों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा वट वुड है लॉन्ग टाइम वट विल हैपन इफ स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसमें देखें जो पहले दो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं अगले वाले तीन से मैं दोबारा बोलती हूँ कि पहले वाले दो में एक कॉमन चीज है तीसरे चौथे और पांचवें में कोई और कॉमन चीज है सब में हायर लेवल की लर्निंग इन्वॉल्व है सोच इन्वॉल्व है लेकिन पहले वाले दो में कुछ और तरह का काम है अगले वाले तीन के अंदर कुछ और तरह का काम है देखते हैं कि पहले वाले दो में क्या चीज़ कॉमन है पहले वाले दो के अंदर हम बच्चे से कह रहे हैं कुछ चीज़ क्रिएट करें चाहे वो टेक्स्ट का टाइटल क्रिएट करना है और चाहे कोई पेंटिंग क्रिएट करनी है लेकिन जो अगले वाले तीन है इसमें कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा इसमें प्रिडिक्शन है वट वुड हैपन मतलब हम बच्चे से कह रहे हैं कि कोई चीज़ प्रिडिक्ट करें अगले वाले में भी प्रिडिक्शन है कि रॉ मिल्क को क्या होगा अगर इसको ज्यादा देर के लिए आयरन के कंटेनर के अंदर रखा जाए अगेन प्रिडिक्शन क्या होगा अगर हमारा स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना बंद हो जाए बच्चा सोच रहा है सब में सोच इन्वॉल्व है लेकिन पहले दो के अंदर क्रिएशन थी ये नेक्स्ट थ्री जो है इनके अंदर प्रिडिक्शन इन्वॉल्व है नंबर सिक्स पे नजर डालते हैं इट इज समराइज द स्टोरी इंक्लूडिंग इट्स मेन आइडिया ये समरी किस किस्म की है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम समरी इन कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिसिस ये समरी इस तरीके से मुख्तलिफ है कि आपने बच्चों से कहा है कि मेन आइडिया भी आपने उसको लेना है लेकिन साथ साथ में ओवरऑल जो है आपने उसको समराइज करना है यू आर गोइंग टू क्रिएट सर्टन थिंग ये जो चीज़ है इट गोज़ विद फर्स्ट टू क्वेश्चन जिसके अंदर था हमारे पास पेंटिंग ड्रॉ करने वाली बात थी और एक टाइटल बनाने वाली बात थी तो ये भी उसी लेवल की है कि इसके अंदर आप बहुत अच्छा सा मेन आइडिया को शामिल करते हुए कुछ चीज को समराइज करें यू आर गोइंग टू क्रिएट अ समरी तो इसके अंदर आपने वो वाले एग्जैक्ट वो वाले वर्ड यूज नहीं करने हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर यूज हुए हुए हैं आप उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन लेवल की ये कॉम्प्रीहेंशन है इसको हम सिंथेसिस इसलिए कहेंगे हायर लेवल की ये है लर्निंग अब हम बात करते हैं नंबर सेवन के ऊपर हाउ कैन अ गवर्नमेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्कोटिक्स अगले वालों पे भी नजर डालते हैं डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लाइट रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन हाउ कैन वी रिमूव एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान इन सब के अंदर कॉमन चीज ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बात की जा रही है चाहे वो सजेशंस हैं, चाहे वो डिजाइन करने हम जा रहे हैं या डायरेक्ट सॉल्व का वर्ड यूज कर रहे हैं इन चारों में सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ दे सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। एक और बात देखें कि क्या आपका क्या ख्याल है कि सारे लोग एक ही तरह का सोलूशन प्रॉब्लम का पेश करेंगे यकीन नहीं तो सिंथेसिस लेवल की ब्यूटी ये है कि आप हर बच्चे को लिबर्टी देते हैं कि वो अपने लेवल की सोच के साथ आए और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें यू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम प्रिडिक्ट फ्यूचर फ्यूचर हैपनिंग्स एंड एट द सेम टाइम यू क्रिएट सर्टन थिंग्स तो इन तीनों लेवल्स को हम कहते हैं कि ये सिंथेसिस लेवल है इसकी एक डिस्टिंक्शन है एनालिसिस के से और वो डिस्टिक्शन क्या है एनालिसिस मीन्स पुटिंग थिंग्स अपार्ट सिंथेसिस मीन पुटिंग थिंग्स टूगैदर जो कुछ भी आपने अलीदा अलीदा से चीजों को देखा उनको मिलाकर आप किसी लेवल के ऊपर सिंतेस, करते हैं इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जब हम कहते हैं कि बच्चों को कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो पहले तो वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे एग्जाम्पल ले लेते हैं यही वाली जो नाइन्थ के ऊपर लिखी हुई थी हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन तो पहले तो बच्चा एनालाइज करेगा कि इनडोर एयर पोल्यूशन कौन सी है और आउटडोर एयर पोल्यूशन कौन सी है जब एनालाइज कर रहेगा तो उसके बाद वो कुछ सजेशन देगा कि हाँ इन इन तरीकों से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं डू रिमेंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज देयर इन मैथमेटिक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज देयर एट दिस लेवल टू फर्क दोनों के अंदर यह है उसमें आपके पास सिंगल राइट आंसर आता है एंड इन सॉल्विंग देयर इज नो सिंगल राइट आंसर ये सब के सब हायर लेवल की थिंकिंग है जिसके अंदर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें क्रिएट भी करें और साथ साथ में प्रिडिक्ट भी करें एक नज़र डाल लेते हैं वर्ड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो कि यूज होते हैं सिंथिसिस uh, लेवल की लर्निंग के अंदर सवालों के अंदर दे आर प्रिडिक्ट कंस्ट्रक्ट

उसके ऊपर अभी बात करते हैं लेकिन बात करने से पहले अगेन सर्टेन क्वेश्चंस इस स्लाइड के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल नहीं है लेकिन इनमें सब में एक चीज कॉमन है जो कि आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे पहला सवाल है विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज मोस्ट सक्सेसफुल व्हाई डिस्कस दैट वी आर नॉट गुड सिटीजन्स डू यू एग्री दैट मोर फाइनेंस वुड हेल्प टू रेज लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान प्रूफ दैट स्मोकिंग हार्मफुल डिस्कस दैट पोलूशन इज इंडिविजुल नेशनल एज वेल एज अ ग्लोबल इशू इन सब के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं अगर कोई अगर हम सवाल ये प्राइम मिनिस्टर वाली बात कर लेते हैं अगर सवाल देते हैं मे भी एक कहे लियाकत अली खान जो थे वो बेस्ट थे दूसरा कह रहे जुल्फार अली भुट्टो बेस्ट थे तीसरा कह रहे कि जुनेजो वाज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर चौथा कह रहा है नवाज शरीफ वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कोई कह रहा है रज़ा गिलानी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो अगर कोई भी अगर बात कर रहा है हम किसकी बात पे यकीन करेंगे किसकी बात ज़्यादा वैलिड होगी उसकी बात वैलिड होगी जो के अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर सके अप, आ, एक सर्टन क्राइटेरिया के साथ वो किसी क्राइटेरिया की मौजूदगी के अंदर बात करे अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करे अगर कोई क्राइटेरिया के साथ प्रेजेंट करेगा उसके हम कहेंगे इसके तो आर्ग्यूमेंट से लॉजिकल नहीं है जो वर्ड हम यूज करते हैं ना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का वो इसी बात को होता है कि आपके पास कुछ दलाइल हो कुछ साबित करने के लिए इस किस्म के जब हम सवाल बच्चों से करते हैं तो एक्चुअली हम बच्चों को दलाइल देना सिखा रहे होते हैं कुछ बच्चे आपने देखे होंगे उनको कोई भी बात कह दें वो हर बात पर यकीन कर लेते हैं दे डू नॉट ऑर्ग्यू दे डू नॉट डिस्कस वैसे तो हम उस्तादों को वो बच्चे बुरे ही लग रहे होते हैं जो कि आर्ग्यू करें बट वी नीड टू टीच आवर स्टूडेंट्स हाउ टू आर्ग्यू अगर अदरवाइज देर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज नॉट डिवेलप्ड इसी तरीके से हमने ये देखा डिस्कस दैट वी आर नॉट गुड सिटीजन्स हमने बच्चों को कह देते हैं कि ये वाली इट्स नॉट अ कंक्लूजन इट इज अ इट इज एन आर्ग्यूमेंट जो कि दिया जाता है कि वी आर नॉट गुड सिटीजन आप इसको डिस्कस करें इट इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनालिसिस थिंक एनालिसिस के अंदर हमने बात की थी कि आप एक प्रूवन चीज दे देते हो कि जिस तरीके से हमने लिखा था कि फिश सरवाइव बेटर इन कोल्ड वाटर वो एक प्रूवन है ये प्रूवन नहीं है इसके ऊपर आप ये एक ओपिनियन है जिसके ऊपर आप डिस्कशन जनरेट करने जा रहे हैं तो जहाँ पे भी आप डिस्कशन जनरेट करते हैं अराउंड ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट लेवल इज कॉल्ड एवेलुएशन लेवल बाकी के भी जितने हमने यहाँ पे सवाल रखे हुए थे इन सब के अंदर कुछ ओपिनियंस हैं जिसके ऊपर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिस्कस करें ऑर्ग्यूमेंट जनरेट करें सो दिस लेवल इज एवेलुएशन लेवल देखते हैं कि इसके लिए कौन सा वर्ड प्रॉम्प यूज किए जाते हैं मोस्टली वर्ड प्रॉम्प यूज फॉर एवेलुएशन लेर्निंग दे आर जज वेरीफाई डू यू एग्री असेस एवेलुएट ऑर्ग यू So these are the word prompts which are usually used in evaluation level. So we are done with six levels of Bloom's taxonomy. First one is knowledge, second comprehension, third and application, fourth analysis, fifth synthesis, sixth evaluation. So in the next lesson we will see these things a little we will talk about the other domains of the learning अभी एक नज़र देख लेते हैं कि क्या हमने अपने लेक्चर ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं या नहीं तो आज के हमारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव थे के बाद द एंड ऑफ द लेसन यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन सिक्स ऑफ ब्लूमीपल्स ऑफ लर्निंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टॉनॉमी आई एम नॉट श्योर इफ यू एक्चुअली थाजाम्पल्स बट आई होप दैट सम फ्यू थिंग्स डेफिनेटली वुड हैव कम टू योर माइंड और उनको आपने थोड़ा सा सोचा होगा इतने ज़्यादा मैंने सवाल जो दिखाए थे मे भी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आपके जहन में आई होगी कुछ एग्जाम्पल्स आई होंगी अपने नेक्स्ट लेसन में हम इसी चीज़ के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे और कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे थैंक यू वेरी मच एंड खुदाफिज